हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड यूनिट का आखिरी टॉपिक, और ये आखिरी टॉपिक है आपका इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिनका यूज हम लार्ज स्केल पे किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। हालांकि ये जो पूरा टॉपिक है वो एकदम सेम है आपके प्रीवियस टॉपिक लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड का। अंतर केवल यहाँ पे ये हो रहा है कि जो इक्विपमेंट्स हम वहां पे यूज किया करते थे वो बहुत छोटे लेवल पे हुआ करते थे, या तो किसी कॉलेज में डेमो के पर्पज से, या तो एक घर में बच्चों के कुछ इंपॉर्टेंट जो खिलौने हैं उनको इंस्टॉलाइज करने से, या थोड़ा अगर बड़ा हुआ तो नॉर्मल जो हॉस्पिटल हुआ करते थे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहां पे किसी ड्रेसिंग के सब्सटेंस को इंस्टॉलाइज करने के लिए। लेकिन आज के टॉपिक में हम बात करेंगे उसमें सब कुछ प्रिंसिपल वगैरह, वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ सेम होगा। अंतर ये होगा कि उनका जो इक्विपमेंट का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, इनलार्ज होगा और सोफिस्टिकेटेड होगा, जिसका यूज हम कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के पर्पस से। वो हमारे लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि वो टाइम सेव करेगा, एफिकेसी ज्यादा देगा, नंबर ऑफ आइटम्स को एक साथ स्टरलाइज कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जंप करूं, मैं हमेशा की तरह एक छोटा सा घर के एग्जांपल को आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको समझाऊंगा एक बेसिक चीज है, हालांकि इसका डायरेक्ट लेना देना इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन इस टॉपिक की जो आत्मा है उसको समझने में आपकी मदद करेगा। अगर मैं कहूं कि आप एक घर में जहां पे एक साधारण सी भाषा में बात करें तो 4 या 5 मेंबर होंगे, उन 4 या 5 मेंबर के लिए सुबह के नाश्ते, दोपहर का खाना या रात के खाने के लिए जब आप रोटी बनाते हैं तो कितनी क्वांटिटी में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट्स का आप यूज करते हैं? तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा कि हम मुश्किल से 5-6 लोई रोटी के लिए आटा का बनाएंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेसिस के हिसाब से। तो ये छोटा सा आटा मेरे हाथ में है, इसको मैंने छोटा सा लोई बना लिया। इसको आटा को लोई बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा पुश करते हैं और उसके बाद बेलने और पीढ़े से हम यूज करते हैं आपको रोटी बनाने के लिए। देखिए यही यूज करते हैं ना, इसके ऊपर इस तरीके से रखा जाता है और बेलने से हम चलाते हैं। मैं आपको आज ये नहीं बता रहा हूं कि रोटी कैसे बनाते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे घर के आसपास हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका यूज अगर हम ईमानदारी से अपने किसी भी टॉपिक को समझने के लिए करें तो वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि सर ने बेलना पीढ़ा को यूज करते हुए मुझे रोटी बनाने की प्रैक्टिस करवाई थी। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं आगे बढ़ते हुए। तो मैं घर में रोटी बनाने के लिए इन चीजों को यूज करता हूं, इनका यूज करते हैं हम लोग और इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर कहीं बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, शिरडी के साईं धाम पे या फिर किसी अमृतसर के लंगर पे जब हजारों लाखों लोगों के लिए खाना बनना होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एक करके इस तरह से बेलने पीढ़े को यूज करते हुए इंडिविजुअली बना लें? कुछ हद तक ये पॉसिबल है, बट एक लार्ज स्केल में टेक्निकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है, बट अगर हम एस्पेक्ट रेशियो में देखें तो ये शायद आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, बहुत सारा टाइम लेगा। तो फिर हम क्या करें, तब हम क्या करते हैं, हम एक बड़े बड़े मशीनों को इंप्लॉय करते हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से आटा को यूज करते हुए रोटी बनाएगा। पाउडर आपको डालना है, पाउडर मीन्स आटा आपको डालना है, एकदम मेजरमेंट पानी आपको अलग डालना है, टाइम सेट कर देना है, टेम्परेचर सेट कर देना, जो भी इक्विपमेंट के अकॉर्डिंगली होगा वो अपने आप पर्टिकुलर आटा की लोई बनाएगा, एक छोटे छोटे बॉल में तोड़ेगा, आगे बढ़ते जाएगा, उसको प्रेस करते जाएगा, आगे बढ़ेगा, हीटर आएगा, हीटर पर उसको गर्म करके रोटी बना देगा, फाइनली वो आपके पास बन करके आ जाएगा। इस पूरे दोनों प्रोसेस में, घर के एग्जांपल और इस एग्जांपल में थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा बातों को, दोनों में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी हो गई। जहां कहीं भी रोटी बनना हो, चाहे मशीन से हो चाहे हाथ से हो, आटा तो जरूरी है, आटे की लोई बनाना जरूरी है, उसको बेलना भी जरूरी पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल रॉ मटेरियल इक्विपमेंट का जो मॉडल है, प्रोटोटाइप है, वो बिल्कुल सेम होगा। अंतर बस इतना होगा कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन की, तो ईच एंड एवरी प्रोसेस इन स्टेप विल बी सेम। सो क्या करना हमको, हमको जब डिटेल में नहीं पढ़ना, पुराने टॉपिक्स अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो वही आपके काम आ जाएगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, डायरेक्टली इस टॉपिक पे जंप किए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पुराना जो टॉपिक्स है स्टरलाइजेशन के टाइप्स का वो जरूर देख लीजिएगा। सो चलिए बात करते हैं टॉपिक्स पे। पहला हेडिंग है हमारा फार्मास्यूटिकल स्टरलाइजेशन। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? फार्मास्यूटिकल स्टरलाइजेशन कहने का मतलब होता है हमारे उन सारे प्रोडक्ट्स को
स्टरलाइज करना, जिनका यूज किसी ने किसी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे किया जा रहा होगा, ह्यूमन पे किया जा रहा होगा, ताकि उसके एक्टिविटी को अचीव कर सके। इसके अंदर स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल्स, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स, सर्जिकल इक्विपमेंट, ड्रेसिंग इक्विपमेंट, ये सब चीजें आ सकती हैं। तो उनको पूरी तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री कर देना, यही कहलाता है हमारा स्टरलाइजेशन। और अगर वो प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो कहलाएगा आपका फार्मास्यूटिकल स्टरलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स के बारे में। स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट का क्या मतलब है? ऐसे छोटे या बड़े या इंटरमीडिएट इक्विपमेंट्स या पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स या एक असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स जिसका यूज आपके स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए किया जा रहा होगा, ये कहलाते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम आपके पहले से पढ़े हुए हैं। पहला है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसका प्रिंसिपल ये कहता है कि ये स्टीम जनरेट करेगा। जब हम वाटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉइल करेंगे तो उससे एक प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर का जब हम यूज करेंगे आपके दिए गए ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए, तो ये स्टीम विद स्पेसिफिक पेनिट्रेशन पावर आपके सेल पे जाएगा और सेल में प्रेजेंट जो प्रोटीन है इनको कोएगुलेट कर देगा, जिससे उस बैक्टीरिया के सेल की डेथ हो जाएगी। ये हमारा प्रिंसिपल है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या ड्राई हीट स्टरलाइजर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मशीन की, तो ये ड्राई हीट स्टरलाइजर कहलाएगा, जो इसको स्टरलाइज करने में यूजफुल होता है। इसका प्रिंसिपल भी हमारे पहले के जैसा है, जहां पर हम हीट अप्लाई करेंगे और ये जो हीट होगा वो ड्राई फॉर्म में होगा, इसमें मॉइस्चर या वेपर नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड। तीसरा है आपका इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ETO स्टरलाइजर। दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन जो हमने अभी खत्म किया था। तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया लार्ज स्केल पे किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज स्टरलाइजिंग टनल। स्टरलाइजिंग टनल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक टनल जैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक लंबी से क्या बोलना चाहिए इसको अपने हिंदी में जो बोलते हैं, एक पाथ होगा जहां पे हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करते चलेंगे और ईच एंड एवरी पार्ट पे वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए स्टरलाइज होगा, ताकि प्रोसेस जल्दी हो और लार्ज क्वांटिटी में दिए गए ऑब्जेक्ट को हम जल्दी से जल्दी स्टरलाइज कर सकें। इसके बाद अगला है आपका CIP सिस्टम। CIP सिस्टम का मतलब होता है क्लीनिंग इन प्लेस, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे उसको क्लीन करते हुए चलेंगे। सेम दूसरा है आपका SIP सिस्टम, जिसका मतलब होता है स्टरलाइजेशन इन प्लेस, तो यहां पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे स्टरलाइजेशन होता हुआ चलेगा। सो हम यहां पे इस टॉपिक में हर एक टाइप को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल बेसिक्स जो हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट, इनमें से किसी एक का जो लार्ज स्केल इक्विपमेंट है उसके जो बनावट है इसके बारे में ही स्टडी करेंगे, ज्यादा डिटेल पर नहीं जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं पहला वाला मॉइस्ट स्टीम स्टरलाइजर। ये जो हमारा पहला है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजर, या इसी को बोल लीजिए मॉइस्ट हीट स्टीम स्टरलाइजर, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इस टाइप के अकॉर्डिंगली जो हमारा पहला टाइप है वह स्टीम स्टरलाइजर या स्टीम स्टरलाइजेशन मशीन। इसमें हम क्लॉथ्स को स्टरलाइज करते हैं, जो स्टील्स के बने हुए इक्विपमेंट या उसके इक्विपमेंट के पार्ट्स होते हैं इसको स्टरलाइज करते हैं, और जो फिल्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के फिल्टर, इनको भी स्टरलाइज करने के लिए हम इस टेक्निक्स को यूज करते हैं। दूसरा स्टीम एयर मिक्सचर। स्टीम एयर मिक्सचर स्टरलाइजर का मतलब है वहां पे स्टीम भी होगा वहां पे एयर होगा, इन दोनों का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में दोनों को मिक्स करके उसका यूज स्टरलाइजेशन के लिए करेंगे। तो ऐसे मशीन को हम बोलेंगे स्टीम एयर मिक्सचर स्टरलाइजर। इसके जो एग्जांपल हैं या यू कैन से कि यूटिलाइजेशन है वो आपके लिक्विड सॉल्यूशन को स्टरलाइज करने के लिए किया जाएगा, जो कि एक टाइट या सील्ड बॉटल में पैक हुए होंगे इस ग्लास के। इसके साथ साथ इसमें जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं इनको भी स्टरलाइज करने के लिए इस मेथड को यूज करेंगे। सो व्हाट आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल स्केल ऑटोक्लेव और स्टरलाइजेशन अंदर स्टीम स्टरलाइजेशन? तो इसके अंदर के दो मेन एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं। पहला है आपका फुली ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल हाई प्रेशर ऑटोक्लेव, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास बी ऑटोक्लेव। ये पूरा नाम आपको समझा रहा होगा कि ये कैसे नॉर्मल ऑटोक्लेव से अलग है। देखिए फुली ऑटोमेटिक, हमने जो ऑटोक्लेव का एग्जांपल देखा था वो टोटली मैनुअली था, उसमें आपको लीड को ओपन करना है, सब्सटेंस को रखना है, प्रेशर को एडजस्ट करके हुए देखना है, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन मैन्युअली। यहां पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रोग्राम्ड होगा, आपने प्रोग्रामिंग कर दी इतने टाइम पे इतना प्रेशर इतना चीजें, वो हर एक चीज वो अपने आप रिकॉर्ड में रखेगा और वो काम करेगा। उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब उसका जो लेआउट है आपको समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टली प्रेस होगा, और इसका यूज हम करेंगे सिलेंडर शेप के प्रेशर को स्टरलाइज करने
करने के लिए। दूसरा जो इसका टाइप है वो भी इसी कुछ के जैसा मैच करता है, दैट इज फुली ऑटोमेटिक स्टीम स्टोरेज वर्टिकल हाई प्रेशर स्टीम स्टेरिलाइजर विथ ड्राइंग सिस्टम। ये थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस वर्जन है, फुली ऑटोमेटिक तो होगा ही इसलिए दोनों कॉमन है। स्टीम स्टोरेज, यहां पे स्टीम को स्टोर करके रखा जाएगा, वर्टिकल इसका पोजीशन होगा, पहले वाला हॉरिजॉन्टल था, ये आपका वर्टिकल है। इसमें हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होगा, साथ साथ इसमें ड्राइंग करने की फैसिलिटी भी होगी, और इसको जो हम लोग बोलते हैं एक और नाम से वह ट्रिपल वॉल ऑटोक्लेव मशीन। तो ये दो चीजें हो गई। चलिए मूव करते हैं सेकेंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, जहां पे हम पहले वाले कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन, अनवर्किंग और यूज के बारे में देखेंगे। आइए चलें सेकेंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे। हमारा पहला जो ऑटोक्लेव है, लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह आपका फुली ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल हाई प्रेशर स्टीम स्टेरिलाइजर, जैसा नाम इसका बिल्कुल वैसा काम। देखिए सबसे पहले से समझ लीजिए कि फुली ऑटोमेटिक है। हमने आपको दिखाया था कन्वेंशनल ऑटोक्लेव या जो हमारे लेबोरेटरी में पाया जाता है या तो किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में पाया जाता है, उस पे आपको पानी का लेवल खुद सेट करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट को खुद रखना पड़ेगा, उसकी लीड लगानी पड़ेगी। टेम्परेचर तो आप मेंटेन कर ही नहीं सकते वहां पे, केवल आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। प्रेशर के अकॉर्डिंगली आपको टेबल के चार्ज से मिला करके उसका जो होल्डिंग टाइम है वो फिक्स करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था कि प्रेशर तो हम एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर को कैसे एडजस्ट करें, और प्रेशर को भी मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता था, लीकेज का ध्यान रखना पड़ता था, हर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती थी। लेकिन यहां पे उस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इट इज फुली ऑटोमेटेड, यानी कि हर एक चीज, कितना पानी रखना है, कितना टेम्परेचर सेट करना है, कितना प्रेशर सेट करना है, लीकेज हो तो नहीं रहा, उसका सेल्फ डायग्नोसिस करते रहना, हर एक चीज पॉसिबल है। और इसका जो एक प्रकार से ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसका नाम पड़ा हॉरिजॉन्टल। सिलेंड्रिकल शेप में होगा इसलिए सिलेंड्रिकल पड़ा। हाई प्रेशर बिकॉज दिस इज ऑटोक्लेव, और ऑटोक्लेव का जो पूरा प्रिंसिपल है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो लार्ज स्केल का हो, एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो है हाई प्रेशर अलॉन्ग विद टेम्परेचर। तो यहां से आप यूज करके उसको स्लाइस कर सकते हैं। हमने एक चीज कई बार घर में देखी हुई है कि जब हम खाना बनाते हैं चावल का, तो अगर सेम क्वांटिटी के चावल सेम अमाउंट में पानी रख करके एक तरफ कुकर में चढ़ा देते हैं, दूसरा नॉर्मल आपके जो बिना कुकर वाले बर्तन होते हैं उसमें पकाते हैं, तो दोनों का टाइम आप आराम से नोट कर लीजिएगा। ऑब्वियसली कुकर का जो खाना है, चावल है, वो जल्दी पकेगा क्योंकि उसमें टेम्परेचर तो इक्वली मिल रहा है, बट प्रेशर जो है वो कई गुना ज्यादा आपको मिल रहा है प्रेशर कुकर में। तो यही हमारे इस मशीन का भी प्रिंसिपल, बाकी इसमें और कुछ खास और कुछ नया नहीं है क्योंकि ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल तो चेंज होने से रहा। देखिए यहां पर कुछ स्पेसिफिक साइलेंट फीचर्स हैं, ये साइलेंट फीचर कुछ हद तक आपके इस ऑटोमेटेड या इंडस्ट्रियल स्केल के स्टेरिलाइजर को अलग करती हैं हमारी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ऑटोक्लेव से। देखिए पहला है फुली ऑटोमेटेड, आपको यहां पे कुछ भी चीज मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोग्राम्ड लॉजिकल कंट्रोल, जिसको हम लोग PLC भी बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम पे काम करता है। प्रोग्राम्ड लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आजकल आपने देखा है ऑटो इंटेलिजेंस काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसमें हर एक चीज एनालाइज करके खुद से वो लॉजिकली यूज कर लेगा। दैट मींस अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कितने से ज्यादा हो रहा है आपने जो सेट किया होगा, तो वो अपने आप प्रेशर को रिलीज करेगा। प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली सील करके उस प्रेशर को इंक्रीज करने लगेगा। टेम्परेचर का रेंज ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर का रेंज को वो कम कर देगा। कहीं पर कुछ लीकेज नजर आ रहा है जिसकी वजह से वो लोडिंग टाइम में दिक्कतें आ रही हो, प्रेशर बिल्डअप नहीं हो कर पा रहा है, तो वो पूरे जैकेट में से सेंस कर लेगा कहां पे लीकेज है, किस पोजीशन पे लीकेज है वो देख सकता है, कहीं पे कोरोजिव मटेरियल तो नहीं आ रहा है, कहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट में वो समस्या तो नहीं हो पा रही है। हर एक चीज सेल्फ डायग्नोसिस मैनर में होगा, और उसका अल्टरनेटिव भी होगा कि इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग तो आपका क्या अल्टरनेटिव मेजर करना होगा, आपको इंडिकेट करना है, सेल्फ हीलिंग करना है, या व्हाटएवर जो भी प्रोग्राम आपने किया होगा उसी पे है। इसीलिए बोला प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल्ड सिस्टम, तरह से वो लॉजिकली कंट्रोल करेगा। इसके बाद देखिए न्यूमेरिक कीबोर्ड, हालांकि ये कोई खास फीचर नहीं है लेकिन हाँ फीचर को एक्सेस करने के लिए सहूलियत प्रोवाइड करता है। हमारे ऑटोक्लेव में देखिए कहीं भी आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड दिखेगा, कीबोर्ड तो छोड़िए आपको कोई भी स्विचेस नजर नहीं आएंगे, केवल जो ऑलरेडी है उसको एडजस्ट करना होगा। तो यहां पे न्यूमेरिक कीबोर्ड का मतलब यह है कि आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, आप प्रेशर को सेट कर सकते हो, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के रेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो, और हर एक पैरामीटर जो कि आपको उस प्रोसेस के साइकिल के समय चाहिए वो आप यहां पे मेंटेन आराम से कर सकते हैं वाया दिस न्यूमेरिक कीबोर्ड। साथ में देखिए शॉर्टकट की फॉर फिक्स स्टरलाइजेशन प्रोग्राम
फॉर लिक्विड ड्रेसिंग पैकिंग इंस्ट्रूमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच शुड यू रिमेंबर. देखिए क्या है, शॉर्टकट की फॉर स्पेसिफिक फंक्शन विच आर फिक्स्ड ऑन नेचर. अगर आपके घर में फुली ऑटोमेटेड फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि कई सारे फंक्शन है. वहां पे आपको कॉटन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको बच्चों के लिए स्टरेशन का साइकिल मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्विक 30 का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां पे डाउनलोड साइकिल में रिंस या स्पिन का ऑप्शन मिलेगा. हर वो चीज ऑटोमेटिक सेट है. अगर आपके घर में हॉट एयर ओवन नहीं तो कम से कम जो अपन नॉर्मल ओवन यूज करते हैं वो अगर आपके घर में, तो वहां भी देखता हूं कि कुकिंग का अलग अलग मेन्यू है, इंडक्शन में भी अलग अलग मेन्यू है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो मैंने आपको दिखाया था उसमें अलग अलग मेन्यू है. तो हर एक चीज सेट है कि अगर आपने इसको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए सेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली करेगा. आपने वहां पे सेट कर दिया लिक्विड के लिए तो लिक्विड का कितना टेम्परेचर कितना समय चाहिए वो सेट कर लेगा. ड्रेसिंग इक्विपमेंट्स, ड्रेसिंग सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा. पैकिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए करेंगे तो उसका साइकिल अलग होगा, कितना टेम्परेचर कितना टाइम, कितना टाइम कितना टेम्परेचर, दोनों का रेशियो ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा, टाइम कम प्रेशर ज्यादा के रेशियो में भी काम करेगा. तो ये उसका एक स्पेसिफिक फीचर हो गया. नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन प्रेशर टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम और ड्यूरिंग द पूरा साइकिल आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. जैसा कि आपने देखा कि हमने टेम्परेचर को कैसे सेट किया था हमारे कन्वेंशनल ऑटोक्लेव में, आपने टेम्परेचर को इस तरीके से सेट किया था कि हम ये टेबल दिया होता है एक स्पेसिफिक मैनर में जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो भी फार्माकोपिया होता है उसमें कि अगर आपके ऑटोक्लेव का प्रेशर इतना है तो उसके अंदर का टेंपरेचर इतना से इतना के बीच में होगा. हम ये एज्यूम करते हैं आपके ऑटोक्लेव में जो कॉलेज में कहीं भी टेंपरेचर को सेट करने का रेगुलेटर नहीं मिलेगा और ना ही आप प्रेशर को सेट कर सकते हो. प्रेशर को सेट ऐसे कर सकते हैं अल्टरनेटिवली कि उसको इवेपोरेट होने दीजिए, बॉइल होने दीजिए, वेपर बनेगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, जैसे प्रेशर ज्यादा हुआ आपको उसको कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा. तो ये हम मैन्युअली करते थे बट यहां पे नहीं, आप टेम्परेचर को कभी भी चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग द साइकिल. मैंने फिर से एग्जांपल लिया है, अगर हम वॉशिंग मशीन को यूज कर रहे हैं कॉटन में और बीच में आपको लगता है कि कुछ कपड़े डालने हैं या फिर नहीं हमको कॉटन में नहीं करना, अब हमको दूसरे में करना है, या आपने बीच में स्विंग कर दिया अपने माइंड को, पॉज बटन दबाइए, टेम्परेचर चेंज कीजिए या सेटिंग पे चेंज कीजिए, आपका जो आंसर है मतलब उसका जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली वापस से सेट हो जाएगा. तो ये है इसका नया फीचर्स. अगला देखिए मीडिया वार्मिंग. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगा ऑटोक्लेव को वो गर्म पे रखेगा. जैसे हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया को स्टेलाइज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अभी भी वो उसी एक्सेप्टेबल टेम्परेचर रेंज में रहे तो वो मीडिया को वार्म में रखे रहेगा, गर्म कंडीशन में रखे रहेगा. तो ये उससे कुछ स्पेसिफिक फीचर हो गए. वर्किंग के बारे में देखते हैं, बहुत कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है. दिस इज मतलब जो आपका इंडस्ट्रियल स्केल का ये वाला ऑटोक्लेव है, दिस इज अ पावरफुल वैक्यूम पंप कंटेनिंग ऑटोक्लेव. इसके पास एक पावरफुल वैक्यूम होता है. अगर आपने हमारे ऑटोक्लेव की वीडियो को प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में जिसमें हमने लाइव दिखाया है साफ साफ सुना होगा कि जब आप ऑटोक्लेव को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से बिसिल को चालू करी पोजिशन में नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ गैस भरी हुई होगी. तो बिसिल को हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, वेपर का आने तक इंतजार करते हैं. जब वहां से वेपर निकलता है इसका मतलब है कि अंदर के पूरे गैस को वो निकाल चुका, वापस से बिसिल को हम उसमें फिट करते हैं. तो हमको पूरा चीज मैन्युअली करना पड़ता है, यहां भी मैनुअल और ऑटोमेटिक का आ जाएगा. बट ये पूरा जो प्रोसेस है वैक्यूम पे वैक्यूम पंप के साथ से मेंटेन हो रहा होगा. ड्यूरिंग द ऑल प्रोसेस एंश्योर रिमूवल ऑफ स्टेबल एयर, हर एक प्रोसेस पे ये इसको इंश्योर करेगा कि वहां पे एयर ना हो. पोस्ट साइकिल वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम मतलब आपका वहां पे पूरी तरह से हवा फ्री रहे, एयर फ्री रहे, चाहे वो बिफोर हो, चाहे वो ड्यूरिंग हो, चाहे वो आफ्टर हो. यहां भी देखिए वैक्यूम कूलिंग, वैक्यूम अब अगर वहां से हट गया है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वहां पे वैक्यूम के रहते हुए भी उसको कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, वैक्यूम में ही उसको ड्राई करना जैसा हमने दिखाया था, हर वो चीज को यहां पे मेंटेन करेगा. जो प्रोसेस के स्पेसिफिक प्रोसीजर होते हैं या फिर कहना चाहिए कि पैरामीटर होते हैं या प्रिंटर होते हैं, उन सबको आप नोट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रिंटर. हमने बताया था ना आपको डॉक्यूमेंट के लिए कैसे करते हैं, बैच डॉक्यूमेंट जो टेम्परेचर प्रेशर का रेंज होता है वो यहां पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको नोट नहीं करते रहना है. जहां जहां पे प्रोसेस का चेंज होगा प्रेशर टेम्परेचर के रेशियो में वहां पे उसको आप डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, ना केवल प्रिंट कर सकते हैं बल्कि उसको एसडी कार्ड में या तो आप पेन ड्राइव पे स्टोर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं. सो देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर आर प्रिंटेड एट की स्टेज ऑफ द साइकिल. जिस जिस भी स्टेज पे आपको जरूरत पड़ती है या हर एक प्रॉपर इंटरवल पे आप रोट करते चलेंगे, प्रिंट लेते चलेंगे और इसको आप यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ एसडी कार्ड से पोर्टफोलियो को भी यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, एसडी कार्ड में भी सेव रख सकते हैं. ये एक एडवांस फीचर है कि आपको वैलिडेशन जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी.
हमने इसके पहले बताया था ना नॉर्मल वाले में कि आपको प्रेशर चेक करते रहना है, टेम्परेचर चेक करते रहना है, इसकी जरूरत नहीं है। आपने मशीन चालू कर दिया, वो अपने आप रिकॉर्ड करते जाएगा, फाइनली प्रिंट दे देगा, चार्ट आपको मिल जाएगा अलग अलग, आप चार्ट को देख के ही इजीली समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हमने बात किया इक्विपमेंट इंप्लॉयड इन लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन का अंदर का पहला पार्ट। हार्डली एक आध पार्ट और अपलोड करेंगे इस पोर्शन में से, उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहले सेक्शन का और अभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद यहां से मैं हट जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।